चाहत है कि मेरे फ्रंट पोर्शन का भी लुक थोड़ा चेंज करिए और एक अलग अंदाज में ये स्मार्ट लुक देकर हमारे सामने आए, तो वही हम करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इनकी पहले से ही फ्लिक की हुई है हेयर कट फ्लिक का, और ये थोड़ा लॉन्ग है, मतलब काफी टाइम हो गया तो हेयर डैमेज भी हो गए हैं और ऊंचे नीचे भी हैं। तो हम इस फ्लिक का जो कट करेंगे वो इस तरह से करेंगे। देखिए इनके फ्लिक ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हेयर नहीं है, तो हम इस तरह से फ्लिक करेंगे कि ज्यादा हेयर शॉर्ट भी ना हो, लेंथ भी कम ना हो और फेस का लुक चेंज हो जाए। तो देखिए वैसे हम इससे पहले जो फ्लिक हमने पोस्ट की थी आपने देखा था कि हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग की थी, और ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद में फिर टू साइड फ्लिक हमने की थी। आपके भी हम टू साइड फ्लिक करेंगे। ये हमको क्लाइंट के अलावा हमको भी ये देखना है कि इनके फेस पर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। हम वन साइड फ्लिक करेंगे तो इनके फेस पर नहीं अच्छी लगेगी। उसका रीजन ये है कि ये सेंटर पार्टिंग करती हैं, और सेंटर पार्टिंग करने के बाद में देखिए ये देखिए, तो हम इनकी टू साइड फ्लिक करेंगे क्योंकि सेंटर पार्टिंग करती है। और करने का तरीका आप देखिए, अब हम बताते हैं आपको कि ये हमने इस तरह से पार्टिंग की क्लियरिटी के साथ। इनके छोटे बड़े हेयर हैं क्योंकि फ्लिक का जो पार्टिंग की है वो ठीक से नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने ईयर के बैक साइड से हमने पार्टिंग नहीं की है। आप देखिए ध्यान से, ये हम इन हेयर को लॉक कर देंगे जिससे कि ये डिस्टर्ब ना करें। ये देखिए ये हमने पार्टिंग की और ये लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की होगी, लेफ्ट हैंड साइड की ये क्लियरिटी के साथ में हमको लाइन से लाइन मिलाने का ध्यान रखना है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पार्टिंग करते हैं तो फिर आपस में लाइन मैच होनी चाहिए। ये देखिए, ये दिखाई दे रही है आपको इस तरह से, और इस साइड ये है। क्लियरिटी के साथ पार्टिंग करने के बाद में इधर के भी हम हेयर लॉक कर देंगे। ये हमारे हेयर सेपरेट हो गए और फेस फ्लिक के लिए देखिए अब हम वाटर स्प्रे कराएंगे। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी मैंने चार चीज पकड़ी हुई है और ऐसा नहीं है बार बार रख रही हूँ, बना रही हूँ, कर रही हूँ या कोई असिस्टेंट के लिए बुला रही हूँ। सब काम अपने को सेल्फ करना है, कोई भी काम है, इसलिए सब चीजें आपको हैंडल करनी है। वाटर स्प्रे हमने इसलिए किया ड्राई हेयर होने के कारण बार बार ये हेयर ऊपर होएंगे। और ये देखिए इस तरह से फ्लिक को कॉम करके हम लेकर आए। और ये हम बहुत ही कम हेयर को हम कट करेंगे जिससे कि हेयर की ग्रोथ पर फर्क ना पड़े, क्योंकि ज्यादा हैवी हेयर नहीं है तो हम लॉन्ग इसलिए रखेंगे। ये देखिए अब हम थोड़ा हेड को ऊपर उठाएंगे। फ्रंट पोर्शन के हेयर का जब हम कट करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर फेस को लेंगे, बैक पोर्शन से करेंगे तो नीचे लेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमको कितनी लेंथ लेनी है उसके हिसाब से हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ देखिए हमने लिप्स के पास से हेयर को लिया है, हमको ये आइडिया है कि लिप्स के पास से अगर कट करेंगे तो इतनी फ्लिक शॉर्ट होगी, है ना। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है तो फिर आ जाता है। ये देखिए हमने ये लिया और इसको हेयर को टाइट रखेंगे हम, ये देखिए इतना टाइट रखेंगे जिससे कि जो भी रिंकल हैं हेयर अंदर सिकुड़े हुए हैं वो उनके पूरी लेंथ के साथ में हमको दिखाई दे। ये अब हम कट कर रहे हैं।
ये फिंगर क्लिपिंग में हमने फ्लिक का कट किया, जो कट किए हैं वो हेयर क्लाइंट को दिखा सकते हैं, भाई झगड़ा नहीं करना, ये आपके हेयर है, इतने काटे हैं, ठीक है, ये हमने कट किया है, झगड़ा नहीं करोगे। ये हो गया, अब ये सेंटर पार्टिंग कर दी है, हम वही पार्टिंग करेंगे, ये देखिए। अब हम आपको बताते हैं, अब हमारा काम फ्लिक कट करने का, लेंथ जो रखनी थी फ्लिक की वो हो गई, अब हम फिनिशिंग कैसे देंगे, इसका लुक कैसे चेंज करेंगे। हम पहले राइट हैंड साइड की फ्लिक को लेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे, और ये हम फ्लिक इधर लेंगे, ईयर की तरफ लेकर आएंगे, ये देखिए, ये हमने फ्लिक ली, फिंगर ग्रिपिंग ली, ये देखिए, इसको हम लेयर लुक देंगे, तिरछा लुक देंगे, तिरछा लुक को बोलते हैं लेयर वाला लुक। तो ये देखिए, अभी हाफ इंच के लगभग का ये हमारी गाइडलाइन है, ये जो हमने हेयर को शॉर्ट किया, ये इसकी नोक इधर दिखाई दे रही है, और हम बिल्कुल फिंगर को तिरछी लेकर आएंगे, हेयर को टाइट रखेंगे, ये देखिए, हमने जो गाइडलाइन बनाई है जहां से कट किया उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उससे हमको केवल टच करना है हेयर कटिंग को, ये देखिए, तिरछा लेंगे हम, और ये लास्ट वाले जो हेयर है ये गाइडलाइन के रूप में थे, इतनी क्लियरिटी आनी चाहिए। अभी हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं, बाकी एक सेकंड का काम है फ्लिक कट होने का, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अच्छे से सीखो, और हर पॉइंट पर आपका ध्यान नजरअंदाज ना हो, हर चीज को अच्छे से चेक करके ही काम करो। ये देखिए, एक बार फिर से चेक करेंगे हम, ये देखिए, अगर हमारी फिंगर ग्रिपिंग थोड़ी लूज हो गई, हेयर कट अपने आप ऊंचे नीचे हो जाएंगे, अगर फिंगर ग्रिपिंग सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हेयर कट अच्छा होगा। ये हमारे राइट हैंड साइड के फ्लिक का हेयर कट हो गया, और ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें अगर आपको कुछ दिखता है तो आप इस तरह से फिनिशिंग दे सकते हैं, ये देखिए। अब हमको करना है लेफ्ट हैंड साइड के फ्लिक का कट, शीशे में देखना आप लोग, ये देखिए, वही सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में भी जो राइट हैंड साइड में रहा। ये हमारी गाइडलाइन है, हम फिंगर को यहां तक लेकर आए, आप है ना टाइट रखना गर्दन, ये देखिए, ये हमारी गाइडलाइन है, और हम फिंगर ग्रिपिंग के साथ में इस तरह से कट करेंगे। वही साइड में लेकर आएंगे हम, ये देखिए, इतना हम उससे गाइडलाइन से मैच करते हुए कट करेंगे, फिनिशिंग देंगे। ये देखिए, ये आपकी फ्लिक का अंदाज हो गया, अगर हमको लगता है थोड़ा सा शॉर्ट। अभी हम कोई ड्राइव नहीं करेंगे, आपको इसी तरह से सेट करके बताएंगे। Thank you.